वेलकम बैक दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों मेरा नाम है राहुल मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो एड कैंपेन है वो आप कैसे बना सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक का एड कैंपेन बनाने का जो सही तरीका है वो क्या होने वाला है देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का एड कैंपेन बना के भी दिखाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम का एड कैसे सेटअप कर सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टीजमेंट एक साथ कैसे रन कर सकते हैं आप अपना बजट कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप अपनी बिडिंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं से अपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप ऑडियंस को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने एड को सही तरीके से सेटअप करने के लिए आप अपने टाइटल्स डिस्क्रिप्शन और बटन वगैरह को कैसे लगा सकते हैं तो देखिये ये आज का वीडियो कंप्लीट एक एड सेटअप ट्यूटोरियल रहेगा जिसमें मैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग

एंड इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए

और वो दोस्तों आपका फेसबुक का पेज होना चाहिए देखिए फेसबुक पेज कैसे बनता है उसका भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा मोबाइल फोन से कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेज कैसे बनता है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे पास कुछ पेजेस बने हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ सी मोर पे क्लिक करके सॉरी यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है

अगर आप एक स्टूडेंट है हाउस वाइफ है जॉब पर्सन है खुद का बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो या कंपनी में जॉब करना चाहते हो या फिर आप उससे पैसे कमाना चाहते ना, तो आपके लिए लॉन्च कर प्रमोशन कर रहा हूं तो देखिए प्रमोशन तो करना ही पड़ता है क्योंकि भैया भी पैसों की जरूरत होती है तो अगर आपको सीखना है ना देखिए बड़ा है नॉलेज के बाद ही पैसा आता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो पैसा नहीं या आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा तो जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना अपने आपके ऊपर तब तक आपको नॉलेज मिलेगा नहीं और नॉलेज नहीं मिलेगा तो भैया पैसा भी नहीं मिलेगा ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा क्योंकि हमने भी कोर्सेज करे थे तब बहुत पैसा खर्च किया था और उसके बाद भी हमने पैसा खर्च किया है, तब जाके कि हमने थोड़ा बहुत ग्रो किया है। ठीक है चलिए अब आपको करना क्या यहाँ पे देखिए आपके पास सारे कैंपेन बनाने के लिए आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है का तो अब यहां से आपको का पे क्लिक करना है, आप पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहां पे सारे ऑब्जेक्टिव खुलेंगे अब देखिए ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव यानी कि अपने बिजनेस के लिए आप कौन सा गोल कंप्लीट करना चाह रहे तो जैसे यहाँ पे सेल है लीड जनरेशन है एंगेजमेंट है ट्राफिक है और अवेयरनेस है मैं आपको बोलूंगा एक आप ऑब्जेक्टिव चूज करो जिसके ऊपर आप अपना कैंपेन बनाना चाह रहे हो तो जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एक आपको बता देता हूं जैसे मान लो सेल्स वाला काफी सेल्स वाला लीड वाला ठीक uh, है एंड यहाँ पे एंगेजमेंट हो गया चलिए एंगेजमेंट वाला हम देख लेते हैं एंगेजमेंट में क्या आता है देखिए हम सेलेक्ट कर इंस्टाग्राम व्हाट्सअप एंड वीडियो व्यूज पोस्ट एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन ऑप्शन एंगेजमेंट वाले पे हम क्लिक करते हैं और यहां पे कॉन्टेन बटन पे आप क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सेटअप आ रहा है यहां पे हम मैनुअल सेटअप करेंगे तो मैनुअल सेटअप पे मैंने क्लिक किया और यहां पे कॉन्टेन बटन पे आपको क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप कॉन्टिन बटन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने देखिए कैंपेन बनाने का जो स्टेप है वो खुल जाएगा एंड मैं आपको बता दू थ्री स्टेप में आप अपने कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं यहां पे पहला दूसरा और तीसरा चलिए देखिए पहले तो आपको कैंपेन नेम पूछ रहा है तो कैंपेन नेम में आप अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं उसका नेम आपको देना जैसे मान लो एबीसी आपका कोई बिजनेस है उसका नाम डाल दो स्पेशल एड कैटेगरी में आपको कुछ ऑप्शन चूज नहीं करना यहां पे आपको कैंपेन डिटेल्स में एक्शन रहना है बाइंग के अंदर कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा यहां पे है एंगेजमेंट वाला ए बी टेस्ट हमें नहीं करना है उसके बाद देखिए यहां पे बजट ऑप्टिमाइजेशन तो आप इसको ऑन कर दो अगर आप एक कैंपेन का बजट यहां पे ऐड करना चाह रहे हैं अगर अदरवाइज आप अलग अलग एड ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं और अलग अलग

जो आप बनाओगे ना एड उसके इंप्रेशन नहीं दिखाएगा रोक देगा तो ये इसकी चाल है बट मैं आपको बस बता रहा हूं बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है उसके बाद करना क्या यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने पहला आपका एड ग्रुप एड डाउट होगा एग्जाम्पल देता हूं टाटा कंपनी है टाटा हैरियर है और टाटा नेक्सॉन ईवी है अगर टाटा कंपनी अपने एक कैंपेन के अंदर दो गाड़ियों का प्रमोशन कर रही है तो वो कैसे करेगी एक तो एड ग्रुप बनाएगी टाटा नेक्सॉन के नाम से और एक एड ग्रुप बनाएगी टाटा हैरियर के नाम से तो इस तरीके से लोग जो कंपनीज हैं वो अपने एड ग्रुप्स के ऊपर काम करते हैं और कैंपेन के ऊपर काम करते हैं ठीक है अब यहां पे देखिए कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्शन में जैसे आपको करना क्या है जैसे यहां पे वेबसाइट के ऊपर आपके पास मान लो कोई एंगेजमेंट आपको लेके जानी या पेज के ऊपर आपको जो है कुछ लोग लेके जाने तो आप यहां पे कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो जैसे मैसेंजर ऐप में आप मैसेंजर पे व्हाट्सअप पे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मैसेजेस लेके जाना चाहते हैं अपने क्लाइंट के तो ये चूज कर लो यहां पे अगर आप मान लो आपका कोई वीडियो है और आप उसको इंट्रैक्ट

फेसबुक पेज रहेगा हमारा गैजेट्स दुकान वाला अब देखिए पेज लाइक्स को इंक्रीज करते हैं काफी सारे लोग ये भी सोचेंगे देखिए पेज लाइक्स को इंक्रीज करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी ऑडियंस बन जाती है और उस ऑडियंस को आप कन्वर्जन uh, के लिए रीटारगेटिंग कर सकते हैं और उससे आपका कन्वर्जन अच्छा निकल के आएगा ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा ठीक है ओके okay. तो अब क्या हाँ, आप क्या करना है देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है तो ये हम चूज नहीं करेंगे यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है देखिए मैंने आपको बोला था कि ऑडियंस कैसे चूज करते हैं वो, वो मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको बता देता हूं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मान लो हमारा पास ई कॉमर्स का एक बिजनेस है ई कॉमर्स का स्टोर है और उसके ऊपर हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या फिर हमारा एक ई कॉमर्स का पेज है फेसबुक का उसके ऊपर हम लाइक्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पे आप करेंगे जिससे सबसे पहले तो आप लोकेशन चूज कर लो कि कहाँ से आप अपना ऑडियंस पकड़ोगे

ऑनलाइन शॉपिंग मैंने डाला और अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड लोग होंगे ना ठीक है ऑनलाइन शॉपिंग देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है है ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग ठीक अब पर जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है उनको हम चूज करेंगे ठीक है तो ये मैंने चूज किया अब इंटरेस्ट चूज करने का मतलब है कि जो लोग इंटरेस्टेड है ऑनलाइन शॉपिंग करने में उन लोगों की प्रोफाइल पे मेंशन हो रखा है उन लोगों ने पेज को फॉलो कर रखा है किसी को तो उन लोगों का मेरा एड कैंपेन दिखाओ

में कहाँ कहाँ दिखाएंगे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आ, 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 अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ पे जैसे मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ कहाँ पे रन कर सकते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लो सर्च uh, रिजल्ट में आप जो है यहाँ पे चला सकते हैं और यहाँ पे फीड में आप चला सकते हैं ठीक है अब इंस्टाग्राम का ऑप्शन यहां पे नहीं आ रहा तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमने पेज लाइक वाला ऑप्शन चूज किया है अगर आप यहां पे जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे जैसे मान लो आप यहां पे ये यह वाला ऑप्शन चूज करोगे जैसे मान लो मैसेजिंग ऐप्स वाला ऑप्शन चूज करोगे अब देखना अब इंस्टाग्राम भी आ जाएगा नीचे स्को डाउन करके आप देख लीजिए अब यहां पर देखिए ये देखिए मैसेंजर इंस्टाग्राम ऑप्शन भी आ चुका है और व्हाट्सएप के अंदर अगर आप आपको मैसेजेस चाहिए तो ये भी कनेक्ट ऑप्शन का आ, आपको मिल चुका है अब यहां पे अगर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो देखिए प्लेसमेंट के ऊपर जाइए मैनुअल प्लेसमेंट पे आप दोबारा क्लिक करिए और अब आप देखिएगा यहां पे देखिए इंस्टाग्राम भी आपके पास ऑप्शन आ चुका है तो आप अगर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों पे एक साथ एड चलाना चाह रहे हैं तो यहां पे आपको वो सारी चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती है यहां पे आपको इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कहां कहां एड दिखाना वो भी आपको यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जैसे यहां पर मान लो इन के अंदर भी आप क्लिक करोगे ना तो देखिए इंस्टाग्राम के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे उसके बाद नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो यहां पर भी आपको इंस्टाग्राम के ऑप्शन आ जाएंगे तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो है फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम दोनों पे लेकिन एक आपको शर्त माननी पड़ेगी और वो ये है कि आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना वो यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए देखिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है मैं मैसेंजर हटा देता हूँ ठीक है और इंस्टाग्राम ही रहने देता हूँ तो इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है ना वो यहां पे मैंने देखिए ऑलरेडी लिंक कर रखा है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा अब आप, आप जैसे मान लो यहां पे वेबसाइट पे रन करना चाह रहे हो तो वेबसाइट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो और वेबसाइट ऑप्शन चूज करने के बाद इसमें भी आप जो है जैसे मान लो यहां पे पिक्सल बना सकते हो और पिक्सल में जैसे मान लो आप यहां पर सेल्स वगैरह जनरेट कर सकते हो तो इसमें भी आपको जो है इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा मैं यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूं और प्लेसमेंट आपको दिखा देता हूं देखिए इसमें भी आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिल रहा है तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना एड कहां कहां चलाना है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे और कौन सा गोल चूज करना अलग अलग गोल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है प्लेसमेंट के ऑप्शन मिलते हैं तो हमारा गोल यहां पे कौन सा था हमारा गोल था पे दोस्तों पेज लाइक्स का ठीक है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों पे एक साथ आप कैसे टारगेटिंग कर सकते हो और कहां से वो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको यहां से आपको करने पड़ेंगे प्लेसमेंट से ठीक है चलिए नेक्स्ट बटन पे आपको दोबारा से क्लिक करना है And जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं यहां पे आप आपके सामने लास्ट स्टेप खुलेगा और ये है दोस्तों आपका एड प्लेसमेंट जिसमें आप अपना बनाएंगे अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन और बटन लगाएंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है देखिए यहां पे आपको सबसे सब पहले तो एड नेम तो एड नेम हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है फेसबुक का पेज ये हो गया हमारा एंड यहां पे देखिए एड सेटअप में मल्टी एडवरटाइजर एड हो गया और यहां पे आपको करना क्या है एक आपको इमेज डालनी है अब जो भी आपका पेज है जिससे रिलेटेड भी आपको पेज है ना उससे रिलेटेड आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी एक इमेज लगा दो ठीक है जो इमेज अट्रैक्टिव होनी चाहिए तो जैसे मान लो यहां पे कोई भी मैं एक इमेज लगा के ट्राई करता हूं जैसे ये वाला मेरा इमेज है ठीक है ठीक है ये वाला मेरा इमेज है मान लो तो मैं डन बटन पे क्लिक कर देता हूं और ये देखिए मेरा इमेज है स्पेशल ऑफर फॉर वेबसाइट ऑनर्स सॉरी बिजनेस ऑनर्स गैट बिजनेस वेबसाइट इन वन थाउजेंड रुपीज ऑनली ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना क्या है आपका जो है एक एडवर्टीजमेंट बनाना है अब यहां पे आपको प्राइमरी टैक्स लिखना है ठीक है तो प्राइमरी टैक्स में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो आप अपने यहां पे आप ऑफर कर रहे हैं ठीक है थीके? तो यहां पे जैसे मान लीजिए इफ यू वांट टू मेक वेबसाइट फॉर योर बिजनेस देन देन we are offering you website in 1000 only in this website in this website you will get free hosting for 3 months and free डोमिन ठीक है तो इस तरीके से आपको करना क्या है आपको जो अपना यहां पे प्राइमरी टेक्स देखना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप चार जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो उसके बाद देखिए यहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ट्रैकिंग का और ट्रैकिंग में देखिए यहां पे आपको डायरेक्ट नीचे आपको कुछ नहीं करना है यहां पे जैसे हमने यहां पे एडवर्टीजमेंट कौन सा चलाया हमने यहां पे पेज लाइक like वाला एडवर्टीजमेंट चलाया तो यहां पे आपको डायरेक्ट देखिए पेज लाइक्स का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा नीचे देखिए आपको लाइक like का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जैसे कोई क्लिक कर देगा ऑटोमेटिकली आपका पेज लाइक like आ जाएगा अगर आपको पेज लाइक like वाला एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे आपको जाना है एड ग्रुप में और एड ग्रुप में जाने के बाद यहां पे जैसे मान लो ये वाला ऑप्शन आप चेंज करोगे जैसे मैसेजिंग एप्स वाला आप चेंज करोगे ना तो अब आप देखना अब आपके सामने कुछ और चेंजेस आ जाएंगे ठीक है छोटे मोटे चेंजेस आएंगे वो आपको करना है जैसे यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो का ऑप्शन आ गया है और क्राउजल का ऑप्शन आ गया अब यहाँ पे ऐड मीडिया uh, आ गया है तो ऐड मीडिया में आपको इमेज ऐड करनी है और ये वाली इमेज जैसे हमने यहां पे uh, ली है तो ये वाली इमेज मैंने यहां पे चूज कर लिया अब यहाँ यहाँ पे ये इमेज आ गई है और इसके सारे फॉर्मेट आ गए तो मैं क्या करता हूं उनको सेलेक्ट करके डन बटन पर क्लिक कर देता हूँ ठीक है डन बटन पर दोस्तों जैसे क्लिक करोगे ना नीचे आपको दोबारा से स्क्रॉल डाउन करना है ठीक है यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको प्राइमरी है आप में चार्ट भी क्योंकि वाला, वाला, ना वाला, ना वाला, तो बटन भी आप चेंज कर सकते हो ठीक है उसके बाद देखिए यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको और स्टार्ट कन्वर्जन में अगर आप चाहे तो यहां ऑटोमेटेड ऑटोमेटिकार्ट भी लगा सकते हैं और यहां पे देखिए चार्टिंग है खुद की वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं तो इस तरीके से बस आपको काम करना होता है आप चाहें तो किसी भी प्लास प्लेसमेंट के थ्रू फेसबुक इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट आसानी से रन कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको कंप्लीट कंफ्यूजन जो, जो थे आपके सवाल जो आप थे वो आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे एंड आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड बनता है और कैसे रन होता है और प्लेसमेंट वगैरह कैसे चूज कर सकते हैं ऑडियंस कैसे बना सकते हैं हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिख सकते हैं बजट और बिल्डिंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं आई थिंक आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है कुछ पूछना है तो मेरी टीम से आप सवाल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए कमेंट करिए मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताना क्योंकि आप कॉमेंट करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और इसी प्रकार के और वीडियो में आपके लिए लगातार लाता रहूंगा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी दोस्तों से है देखिए इस चैनल का टारगेट हमारा वन मिलियन का तो प्लीज सपोर्ट करिएगा एक मिलियन के लिए अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी प्रकार के और वीडियो में लिए लगातार बताता रहूंगा, आपको नॉलेज और ज्ञान फ्री में देता रहूंगा तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे, का, मेरे का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद